नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। अफगानिस्तान में तालिबान ने 15 अगस्त को कब्जा किया, जिसके करीब 21 दिनों बाद मंगलवार शाम को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। इस सरकार में 33 मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं मुल्ला मोहम्मद हसन अंसूद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। साथ ही मुल्ला बरादर और मौलवी हनाफी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तालिबान के प्रमुख शेख हबीबुल्लाह अखुंदुजादा सुप्रीम लीडर होंगे। वहीं तालिबान के कैबिनेट में ऐसे कई लोगों को जगह दी गई है जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है। तालिबान सरकार में अमेरिका नित गठबंधन और अफगान सरकार के सहयोगियों के खिलाफ 20 साल तक चली जंग में दबदबा रखने वाले तालिबान की शीर्ष हस्तियों को शामिल किया गया है, जिसे अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती। वहीं अधिकतर ऐसे देश हैं जो तालिबान के बार बार घोषणा के बाद भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कई देश ये मानते हैं कि पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है, और यही वजह है कि इन देशों द्वारा आतंकियों को पहले भी संरक्षण दी जाती थी, और शायद अब तालिबान की जो नई सरकार अफगानिस्तान में गठित हुई है, इस सरकार के जरिए भी वो कई देशों पर हमले करवा सकता है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद आज भारत और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सलाहकार निकोल पेत्रुसेव के बीच कई मुद्दे पर बातचीत होगी। और इस बातचीत का सबसे अहम हिस्सा अफगानिस्तान का मुद्दा रहेगा, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी बात होगी। वहीं कल अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA चीफ बिल बर्न्स भी भारत में थे, और उनसे भी अजीत डोभाल ने अहम बैठक की है। भारत और रूस के बीच बातचीत के दौरान डोभाल आतंकी संगठन लश्कर और JEM को लेकर बातचीत कर सकते हैं। भारत का मानना है कि अफगानिस्तान में रूस का अहम रोल होने वाला है, और रूस ये सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसे किसी ग्रुप की ओर से अफगानिस्तान का उपयोग नहीं किया जाएगा जो कि भारत सहित कई देशों के लिए नुकसानदायक हो। इन सब के बीच बीते 24 अगस्त को PM नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत भी हो चुकी है, और दोनों नेताओं ने तब यह सहमति जताई थी कि दोनों का एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है, और इसी बातचीत पर मोहर लगाने के लिए पेत्रुसेव भारत के दौरे पर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत को तालिबान द्वारा किए गए वादे पर यकीन होता है, और भारत किस तरह से अफगानिस्तान की नई सरकार तालिबान के साथ मेलजोल कर काम करता है, या फिर अफगानिस्तान में भारत को तालिबान की सरकार रास नहीं आती है, क्योंकि तालिबान ने अपनी ओर से कई बार भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है, लेकिन भारत काफी सोच समझकर इस फैसले पर मोहर लगाना चाहता है। तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट, और ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।